जिला प्रशासन के द्वारा बनाए गए डोर टू डोर सब्जियों, किराना सामानों और पशु चारा की होम डिलीवरी की व्यवस्था 7 जून तक जारी रहेगा। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि महानगर में जो भी कंटेनमेंट एरिया है उस एरिया में होम डिलीवरी की व्यवस्था लागू रहेगी। इसके लिए किराना स्टोरों की लिस्ट पहले की तरह अभी भी जारी है और सब्जियों के ठेलों के माध्यम से डोर टू डोर होम डिलीवरी की जा रही है और पशु चारा का जो रेट निर्धारित था वही रेट पहले की तरह 7 जून तक प्रभावी रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, देखिए जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो अभी भी जो कंटेनमेंट एरियाज़ हैं वहाँ पे उनको उनकी होम डिलीवरी सुनिश्चित कराई जाएगी। इसके अलावा 7 तारीख तक गोरखपुर में वही जो पहले चलता आ रहा था उसी तरह से चलता रहेगा पैटर्न, तो रेट उसी तरह निर्धारित हुए हैं, 7 तारीख से निर्धारित होते रहेंगे। इसके अलावा जो भी खाद्य सामग्री हैं, किराना है, उनका रेट भी निर्धारित कर दिया गया है। 7 तारीख बाद इस पर पुनः विचार किया जाएगा और अभी भी जनता को होम डिलीवरी विभिन्न माध्यमों से की जा रही है, विभिन्न ऐप्स हैं। इसके अलावा सब्जियों के ठेले हैं वो घर घर जाकर डिलीवरी करेंगे, किराना को दुकान के नंबर उनको दिए गए हैं मोहल्ले वाइज जिससे उनके भी करा सकते हैं। तो जनता से अपील यही है कि अपने घरों से बाहर ना निकलें और उसके बाद जो आवश्यक जो सामान है उनके घर पर होम डिलीवरी हो जाएंगे। जो भी सारे रेट्स पुराने निर्धारित हुए थे वो 7 तारीख तक प्रभावी रहेंगे और उसमें कोई भी भिन्नता नहीं हुई है, तो उसी आधार पर वो चलते रहेंगे और 7 तारीख बाद पुनः विचार किया जाएगा।